नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपका अतुल ब्लॉग्स में। काफ़ी लॉन्ग टाइम के बाद आज फिर आप लोग के बीच एक न्यू कंटेंट लेकर के प्रेजेंट हुए हैं। दोस्तों आज इस ब्लॉग वीडियो के थ्रू आप लोग तुलसीपुर गांव देख रहे हैं दोस्तों, और तुलसीपुर गांव के ठीक जस्ट पश्चिम साइड में जो ये जंगल दिखाई दे रहा है आपको, ये चौक का जंगल है जिसकी टोटल एरिया की बात करें तो 232 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में फैला हुआ है। दोस्तों तुलसीपुर गांव भी एक बहुत ही खूबसूरत गांव है, नेचुरल सीनरी में बसा हुआ है और काफ़ी पॉपुलेशन जो काफ़ी यहां का कम है। काफ़ी दूर दूर तक यानी जहां तक आप देखेंगे सिर्फ खेत खलिहान और बाग बगीचे और नेचुरली हरी भरी चीज़ें आपको बहुत सारी दिखाई देंगी। और यहां पर आप अक्सर इस गांव पर विजिट करते हैं तो आपको टूरिस्ट प्लेस में यहाँ का प्राकृतिक जंगल और एक फॉरेस्टर गार्ड वाला जो ऑफिस है और हाउस जो है वो आपको देखने को मिलेगा। काफ़ी वो भी सुंदर है जो कमहरिया और सेमरा के नियर बाय में पड़ता है। दोस्तों ये गांव भी बहुत ही खूबसूरत है और इस गांव के नियर बाय में जो भी कुछ है बहुत ही देखने लायक बहुत खूबसूरत जगह है। सो यहां पर आप ठंड के सीज़न में जनवरी के सीज़न में अगर आते हैं तो आपको बहुत सारी चीज़ें नेचुरली देखने को मिलेगा दोस्तों। और यहाँ पर जो पॉपुलेशन की जो कंडीशन है वो बहुत कम है तो काफ़ी शांति माहौल यहाँ पर रहता है। सो बहुत मुझे अच्छा लगा दोस्तों। अब हम लोग इस गांव से बाहर निकल रहे हैं और हम लोग चल रहे हैं कोहड़वल की तरफ, और बीच में जो भी कंडीशन है जो भी माहौल है नेचर जो है किस तरह है इस समय का वो आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। आई होप आपको देख करके अच्छा लग रहा होगा। सो दोस्तों कितने लोग इस गाँव से बिलोंग करते हैं और आपको अपने गाँव का ये सिचुएसन और ये ब्लॉग देख करके कैसा लगा कॉमेंट में ज़रूर बताएंगे। दोस्तों जब हम यहाँ पर पहुँचे थे तो उस समय का जो ये सीनरी देखे दोस्तों मत पूछिए, बहुत ही शानदार मुझे लगा, बहुत ही सुहावना था। सो आई थिंक आप देख ही सकते हैं कि दूर दूर तक कहीं भी पब्लिक लोग का कोई भी व्यू नहीं देखने को मिल रहा दोस्तों। ऐसे ही था, थोड़ी सी स्टेबिलिटी की कमी है लेकिन क्या करेंगे दोस्तों, थोड़ा सा मैनेज तो करना पड़ेगा। ऐसे ही कुछ था। और ये हम जब पहुंचे थे दोस्तों टाइम था जून के महीने में हम लोग पहुँचे थे, आई थिंक मुझे लगता है 24 जून को हम लोग यहाँ पर पहुँचे थे। सो ऐसा कुछ माहौल था उस टाइम का, लेकिन नेक्स्ट टाइम हम लोग पहुंचेंगे तो इस समय का क्या कंडीशन है वो भी आपको बहुत जल्द दिखाएंगे दोस्तों। और इस बीच में यही एक लोकेशन बाकी था, उसके बाद से ओवरऑल देखा जाए तो बस थोड़ी बहुत ऐसी जगह होंगी महाराजगंज डिस्ट्रिक्ट के जहां पर हम लोग नहीं पहुंचे हैं दोस्तों। सो अगर आप और भी महाराजगंज डिस्ट्रिक्ट के रिलेटिव और जगहों का आप ब्लॉग वीडियो देखना चाहते हैं तो आपको हमारे प्लेलिस्ट और हमारे चैनल पर सभी कंटेंट अवेलेबल हैं, आप आकर देख सकते हैं। और जहाँ तक हो सके हमने महाराजगंज डिस्ट्रिक्ट को डिजिटल महाराजगंज डिस्ट्रिक्ट में कन्वर्ट करने की प्रयास किया है दोस्तों। यही सब था दोस्तों, आई होप आपको इस ब्लॉग के थ्रू आपको ये सब नज़ारा देख करके काफ़ी अच्छा लगा होगा, काफ़ी अच्छा फील कर रहे होंगे। आइए दोस्तों आगे चलते हैं और आगे का क्या सीनरी है वो भी चलिए आपको दिखाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही था, दूर दूर तक कहीं भी लोगों की कोई पॉपुलेशन नहीं देखने को मिल रहा था, बस ऐसे ही चारों तरफ खेत खलिहान था दोस्तों। मिलते हैं दोस्तों फिर नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए नमस्कार।